जब हमारा स्कूल का दौर ख़त्म हो रहा था तो कुछ लड़कों ने मिलके गर्ल्स टॉयलेट को ट्रेसपास किया था, क्योंकि वही एक कमरा था जो हमने कभी देखा नहीं था। विक बोलते हैं लोग वैसे तो घर पे, मेरा नाम सोनू है तो मुझे मेरे घर वाले सोनू ही बोलते हैं। देवर डेज जब सरसों का तेल लगा के मैं छत पे बैठा करता था, क्योंकि सर को मेकअप बिल्कुल नहीं चाहिए था। वो कहते थे कि तू शूट के पहले, मैं हालांकि गया भी था एक हफ्ते पहले, यूनिट से पहले गया था मैं, वहाँ पे सिर्फ इसीलिए गया था और टीम का एक बंदा मेरे साथ था टैन होने के लिए। तेल लगा के सुबह से लेकर शाम तक छत पे बैठो, खाना पीना भी वहीं करो, लेकिन पहले ही दिन 3 घंटे के बाद मेरा स्किन निकलने लग गया। और वो इसीलिए भी क्योंकि विनोद सर जो हैं, ही इज़ परफेक्शनिस्ट इज़ ऑल्सो एन अंडरस्टेटमेंट। वो खुद रियल लाइफ से इतना, मतलब ही इज़ सच ए रियल पर्सन। अभी आई थिंक बाई द टाइम द फिल्म कम्स आउट इट विल बी 3.5 ईयर्स। आई विश आई कुड गो बैक टू स्कूल and relive those moments again. Hi, this is Jaya and you're watching me on Filmy. So today we have someone who is known for his versatile acting, someone who is powerhouse of talent, presenting Vikrant Masi. Hi, thank you for having Firstly, me. Firstly, congratulations. Thank soon you. Going to be a dad. Oh, thank you. Also, हमने ट्रेलर देखी. कैसा लगा? क्या बहुत मजा आया. You know, मैं जब देख रही थी तो I was like, इसके आगे क्या है? Oh wow. It's a full of roller coaster ride, yes. Emotions. Yes. और कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए, आप पता नहीं देखा कि नहीं देखा कमेंट्स में, देख नहीं पाया हूं कुछ, 3-4 कमेंट्स में आपको बता देती हूं. बिल्कुल बताइए, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. वी वांट दिस काइंड ऑफ मूवीज फ्रॉम बॉलीवुड. वी लव आवर बॉलीवुड from our childhood. Oh wow. Must watch movie. It is actual struggle of Hindi medium aspirants and 80% population of this country. Yeah, that's true. 11 बजे ही आया है ट्रेलर कुछ ही घंटे Good पहले. Good luck. Yeah. Thank you. So firstly, तो हम जानना चाहेंगे आपसे what it is all about and what is your role in this. 12th fail is actually based on a book by the same name. कुछ ही साल पहले आई थी और लोगों ने बहुत सराहा उस किताब को. अडैप्टेशन है एंड इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ऑल द पीपल इन दिस कंट्री. ये उन हज़ारों करोड़ों कहानियों से आधारित है जिन्होंने जीवन में कुछ करने की सोची है, जीवन में कुछ करने का सपना देखा है. और जीवन में जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं, जो भी मुश्किलें हैं, जो डिफ़िकल्टीज हैं, उनको फेस करके आगे बढ़े हैं. You know, people who've really moved, you know, beyond the limitations. ये उन सभी लोगों की कहानी है. I play the character of Manoj Kumar Sharma. ये उनकी कहानी है. It's based on him. So that's my character. 2 लाख हिंदी मीडियम विद्यार्थियों में से केवल 25-30 ही बन पाते हैं IAS, IPS. बाकी 1,99,970 back to zero. पढ़ गया. ये जो फाइन के नाम तू मांग रहा है ना, ये घूस है. घूसखोरी कर रहा है तो इस कुर्सी पे बैठ गया. अबे जबान बहुत ज्यादा चला रहा है तो. जबान चलाना शुरू कहाँ की अब तक, चंबल का हूँ समझा. जब इस कैरेक्टर को आप प्ले कर रहे थे, आई मीन यू माइट हैव गॉन थ्रू अ ह्यूज प्रोसेस एंड प्रिपरेशन. व्हाट वाज दैट प्रिपरेशन? क्योंकि आप दिल्ली के मुखर्जी नगर पे जाकर आपने काम करा, वहाँ जाकर तो बच्चों के साथ काम करना या पढ़ना. नहीं, एग्जैक्टली ऐसे काम नहीं किया मैंने उनके साथ. मैं करना चाह रहा था, आई वॉन्टेड टू स्पेंड मोर टाइम देयर, लेकिन किसी वजह से मैं वहाँ पे, यू नो, मैं रहना चाह रहा था वहाँ पे शूट के दौरान. मेरा ये था कि एक रूम किचन लेके रहते हैं वहाँ पे, और असली स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी टाइम बिताया लेकिन वहाँ रह नहीं पाया. बट इट वाज फैबुलस. मैंने शायद ही किसी फिल्म के लिए इतना प्रेप किया है. और वो इसीलिए भी क्योंकि विनोद सर जो हैं, ही इज़ परफेक्शनिस्ट इज़ ऑल्सो एन अंडरस्टेटमेंट. वो खुद रियल लाइफ से इतना, मतलब ही सच ए रियल पर्सन. तो वो सिनेमा में काम करते हैं, फिल्में बनाते हैं, लेकिन उनको बनावटी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है. उन्होंने तो लगभग 3.5 साल इस फिल्म पर बिताए. आई थिंक बाई द टाइम द फिल्म कम्स आउट इट विल बी 3.5 ईयर्स. मैं खुद 2 साल से जुड़ा हूँ इस फिल्म से. चाहे फिर स्टूडेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना हो या फिर यू नो डायलेक्ट की बात हो, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि ये जो मेरा कैरेक्टर है वो चंबल से है, और वहाँ की एक पर्टिकुलर, वैसे तो पूरे देश में ही आप अगर देखें, बट वहाँ की जो जुबान है अलग है, डायलेक्ट वहाँ का अलग है, थोड़ी अखर होती है उनकी जुबान, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से उनकी पर्सनैलिटी वैसी होती है. तो आपने ये टी शर्ट पे भी देखा होगा, चंबल का हूँ समझा. तो वो काफ़ी वक्त बिताया. डायलेक्ट कोच थे हमारे जो वहीं से थे, भींड मुरैना से थे वो, उन्होंने काफ़ी हेल्प की.
देयर वर डेज जब सरसों का तेल लगा के मैं छत पे बैठा करता था क्योंकि सर को मेकअप बिल्कुल नहीं चाहिए था. वो कहते थे कि तू शूट के पहले, मैं हालांकि गया भी था एक हफ्ते पहले, यूनिट से पहले गया था मैं, वहाँ पे सिर्फ इसीलिए गया था और टीम का एक बंदा मेरे साथ था टैन होने के लिए. तेल लगा के सुबह से लेके शाम तक छत पे बैठो, खाना पीना भी वहीं करो. लेकिन पहले ही दिन 3 घंटे के बाद मेरा स्किन निकलने लग गया और दूसरे तीसरे दिन बारिश हो गई. एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट ही हैज़. मतलब एक बाल के स्ट्रैंड से लेके या पीछे अगर वहाँ पे कोई पोस्टर चिपकाया हुआ है उससे लेके, He's just too real as a person. काफी अलग है. मतलब अगर आपका लुक अभी देखा जाए और तब अभी हमने आज सुबह जो ट्रेलर देखी उसमें देखा जाए काफी चेंज है. मतलब उन्होंने बिल्कुल पूरे लुक में भी पूरा ध्यान दिया कि हाँ वो मिडिल क्लास इंसान लगना चाहिए. एंड ये जो मेरा कैरेक्टर वो लोअर मिडिल क्लास का है. कई बार आपको शायद उनको देख के लगेगा कि वो ऑलमोस्ट पॉवर्टी लाइन पे है और ये एक अनफॉर्चुनेट बिटर ट्रूथ ये है हमारे देश का कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके पास रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो एक्सेस नहीं है उनके पास उन चीज़ों का. एंड ये उन, जैसे मैंने कहा, ये उन तमाम लोगों के स्ट्रगल्स की कहानी है. ये उनके विल पावर की कहानी है, उनकी वो एक, जैसे आपने ट्रेलर में सुना होगा, वो कहते हैं कि इनके पास होता नहीं है कुछ लेकिन जज्बा होता है इनके पास. आज अनफॉर्चुनेटली हम प्रैक्टिकल चीज़ों को, मटेरियल चीज़ों को इतना हम तवज्जो देते हैं कि अगर गाड़ी है तो फिर सक्सेसफुल है, वो ज़रूरी नहीं है. और एकेडमिक सक्सेस भी सिर्फ सक्सेस नहीं है, यू नो, बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं एक लाइफ सक्सेस बनने में. तो ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है बेस्ड ऑन दिस बुक. टॉयलेट रोज साफ होना चाहिए, नहीं बनने वाले लोग IPS ऑफिसर्स. सही बात कर रहे हो, चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह बसों और ट्रेनों में भर भर, कुछ नहीं होता इनके पास. गरीब होता है इनका बाप, नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज में, लेकिन पता है फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते, जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन IAS IPS बनेंगे. गणपति पूजा इन दिस ट्रेलर आल्सो और हर जगह यही है, इन द लाइफ ऑफ जर्नी इट्स नॉट अबाउट स्टार्ट, इट्स ऑल अबाउट रीस्टार्ट. सो आई वुड लाइक टू नो अबाउट, या आई सेड दैट इट्स सो ट्रू, राइट? यू नो, फॉर्चूनेटली आई वुड से फॉर्चूनेटली मुझे कई मौके मिले हैं जीवन में जहां पे मुझे रीस्टार्ट करने का मौका मिला है. अनफॉर्चूनेटली बहुत लोगों को नहीं भी मिलता वो मौका, बट आई थिंक लाइफ और एक्सपीरियंसेस ही खुद आपको ये सारी चीज़ें सिखाते हैं. मैं आज भी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें तो बहुत सारी चीज़ों में हम रोज़ गिरते हैं, उठते हैं, दोबारा रिस्टार्ट करते हैं. अगर प्रोफेशनल करियर की अगर आप बात करें तो जब मैंने TV छोड़ा था और सिनेमा में काम करने का सपना देखा था तो वो भी एक हद तक रिस्टार्ट ही था, क्योंकि एक अच्छा खासा सेटल्ड, यू नो, प्लेटफॉर्म छोड़ के, एक लाइफस्टाइल छोड़ के मैंने दोबारा रिस्टार्ट करने की कोशिश की, स्ट्रगल्स दोबारा करने की कोशिश की. एंड आई वाज ओके विद इट बिकॉज आई न्यू इफ आई वाज सिंसियर कि बाय द एंड ऑफ इट देयर वुड बी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. तो वो सिर्फ परसिस्टेंस की ही बात है, right. और हमारी कहानी भी वही कहती है, राइट? विक्रांत, यू नो देयर आर एक्टर हु कम्स एंड गोज, बट यू आर समवन जो जो अपने किरदार से ना लोगों के दिमाग में अपने किरदार से छप जाता है. आई होप व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू. नो, रियली. सो आई वुड लाइक टू आस्क, व्हाट्स दैट क्राइटेरिया यू चूज व्हेन यू गो फॉर अ स्क्रिप्ट और लुक फॉर अ स्क्रिप्ट? देखिए, पहले तो थैंक यू, आई होप व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, क्योंकि एस्पिरेशन यही है कि अभी तो वैसे ही शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई हम सब की, यू नो, ऑल ऑफ अस, यू नो, लाइफ इज जस्ट बिकम टू फास्ट. हम बोर होना भूल गए हैं, या हम खुद के साथ बैठना भूल गए हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज ऑन द गो. स्टिमुलेंट चाहिए होता है हमें पूरे टाइम. तो अगर एक परफॉर्मेंस अगर छप जाती है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, और मैं चाहता भी वही हूँ. मैं चाहता हूँ कि सिनेमाघरों से निकल के लोग जो देख के निकले, एटलीस्ट उसको 20-25 मिनट, आधा घंटा तो याद रखें, कोई तो प्रभाव पड़े उन पर. अगर वैसा हो रहा है तो अच्छी बात है. और द आइडिया इज कि जब भी कोई कहानी हो वो, उसमें एक ह्यूमन फैक्टर ढूंढना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से. इसीलिए मेरे जितने भी रोल्स होते हैं, कहानियाँ जो मेरी होती हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो रियल लाइफ से काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं. द आइडिया इज टू रिप्रेजेंट द कॉमन मैन. और एक और कोशिश लेके आया हूँ मैं 12th फेल में, तो देखते हैं. अगर आपको 12th में पढ़ रहे विक्रांत को चांस मिले कुछ एडवाइस देने का, तो आज का विक्रांत उसे क्या एडवाइस देगा? 12th वाले विक्रांत को अगर मुझे कोई एडवाइस देनी हो, आई वुड जस्ट से कि जस्ट
don't be too harsh on yourself. Maybe I was a little too harsh on myself at that time. That's great. So we'll go to our fun zone now. Oh, lovely. Excited. So it's basically 12th fail fun house. Lovely. Did you ever try to copy your parents' signature on your report card? Oh, not on my report card, but in my absent card. मैंने मम्मी का साइन किया था और मैं पकड़ा गया था। An embarrassing or funny memory you have from your school days? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही किसी से कह रहा था कि जब हमारा स्कूल का दौर खत्म हो रहा था तो कुछ लड़कों ने मिलके गर्ल्स टॉयलेट को ट्रेसपास किया था क्योंकि वही एक कमरा था जो हमने कभी देखा नहीं था हमारा ही होता था कि गर्ल्स टॉयलेट कैसा होता है तो इट वाज सो एम्बैरेसिंग वेरी एम्बैरेसिंग अगले दिन बहुत पूरे स्कूल के सामने पिटाई हुई थी हमारी डिड यू एवर प्रिटेंड टू बी सिक जस्ट टू अवॉइड अ टेस्ट और एग्जाम या या एग्जाम नहीं टेस्ट क्लास टेस्ट्स यस यस What was your score in 12th grade? 62% One school rule you always used to break? School rule that I always used to break? Homework बहुत ही कम करता था मैं पूरा टाइम खेलता ही रहता था Did you have a secret crush on someone in school? Yeah, yeah. कौन से क्लास से स्टार्ट हो गया? Seventh. Seventh standard में था मुझे बहुत भयंकर क्रश हुआ था Best friend from your school days? बहुत है and I'm still fortunately in touch with them. एक मेरी दोस्त है शिल्पा शेट्टी उनका नाम ही है शिल्पा शेट्टी एक्ट्रेस नहीं उनका नाम शिल्पा शेट्टी है तो हम उनको एक्ट्रेस छेड़ के उससे छेड़ रहे हैं she's a very dear friend of mine बहुत सारे लोग did you ever sneak out of school or class yeah of course कहाँ जाते थे फिर हम खेलने जाते थे describe your school bag in 3 words school bag in 3 words empty filled with unnecessary stuff like what like किताबें नहीं होती थी लेकिन बॉल होता था या ग्लव्स होता था क्रिकेट खेलने के लिए या दूसरे स्पोर्ट्स शूज होते थे जो उतार के पहनने होते थे तो इररिलेवेंट स्टफ स्कूल बैग में स्कूल का सामान कम और बाकी चीज़ों का ज़्यादा था एंड थर्ड वर्ड क्या होगा स्कूल बैग इन थ्री वर्ड टिफिन टिफिन बॉक्स फनीस्ट निकनेम यू हैड इन स्कूल विक्कू Yeah, I don't know why people would call me. I still don't Vikrant know. विक्रांत का विक्कू हाँ विक्कू कर दिया और वो ओवर फ्रेंडली लोग नहीं होते हैं जिनको आप एक्चुअली जानते भी नहीं है और वो आपको बोलते हैं विक्कू कैसा है और अब क्या है विक बोलते हैं लोग वैसे तो घर पे मेरा नाम सोनू है तो मुझे मेरे घर वाले सोनू ही बोलते हैं Were you a straight A student or someone who just passed वाले student? I was a lazy student. जब मन करता था पढ़ने का तो बढ़िया मार्क्स आते थे लेकिन जब थोड़े बड़े होने लगे सेवेंथ एट्थ के बाद जब फुल पैंट पहनने लग गए तो बड़े आलसी हो गए कि पासिंग मार्क्स ही लेके पास होते थे वन थिंग यू मिस द मोस्ट अबाउट योर स्कूल डेज टुडे एक्चुअली एवरीथिंग आई विश आई कुड गो बैक टू स्कूल एंड रीलिव दोस मोमेंट्स अगेन अच्छा तो आपको याद है आपका स्कूल प्रेयर क्या था क्लास 12th में वो तो कॉलेज होता है हमारे यहाँ पे 12th इज कॉलेज इन मुंबई प्रेयर तो होती नहीं थी कोई नहीं ऐसी वो हम सिर्फ जनगण मन गाते थे अच्छा प्रेयर ऐसे कोई रिलीजियस कॉनोटेशन वाला कुछ नहीं होता था हमारे कॉलेज में एनी मेमोरेबल स्कूल फील्ड ट्रिप्स और आउटिंग यस हम गोवा गए थे और मैं पहली बार बॉम्बे के बाहर गया था अपने स्कूल के दोस्तों के साथ भाई हमारे टाइम में तो नहीं था मतलब हम ज्यादा फर्क नहीं होगा हमारे से गोवा हुआ तो नहीं लेके जाते थे मैं 8th में था तभी गोवा गए थे बड़ा मजा आया था हमें ट्रेन से गए थे दैट्स ग्रेट मोस्ट मेमोरेबल स्कूल प्रोजेक्ट और असाइनमेंट बहुत है पर ऐसे कोई असाइनमेंट नहीं होता था हमारा लाइक इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में स्कूल को रिप्रेजेंट करना यूज टू बी अ वेरी बिग थिंग और फुटबॉल क्रिकेट के लिए हम जाते थे डांस कॉम्पिटिशन के लिए मैं जाता था तो यू कुड से कि एक तरफा मतलब वो ऑलराउंडर ही था कि क्योंकि और कोई एक्चुअली होता नहीं था इसलिए मुझे डाल देते थे हर जगह तो वी हैव अ लॉट ऑफ वंडरफुल मेमोरीज इंटर स्कूल जो होता था मुंबई में डिड यू एवर गेट कॉट पासिंग नोट्स इन क्लास नहीं तो आप कह रहे हो कि आप चीटिंग नहीं करते नहीं नहीं मैंने की है एक दो बार की है बट नहीं नोट्स पास करते हुए नहीं कभी नहीं ऐसे पता तो चीट कैसे करते थे यार अब मैं बताऊंगा तो बड़ा अजीब लगेगा तो बताओ ना तो जानना ही है अब हमारे यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी टीचर हुआ करती थी जो मराठी पढ़ाती थी हमें और हम सबकी मराठी बड़ी कमज़ोर थी और 9th क्लास की बात है मुझे याद है वो टीचर और उन्होंने ना हम सारे बच्चों को ना मेरे क्लास के मोस्टली 80% 90% बच्चे ना साथ ही बड़े हुए हैं बहुत कम बाहर के स्टूडेंट्स आते थे हमारे नए एडमिशन्स बहुत कम होते थे तो जब 9th में हम पहुँचे तो वो टीचर को पता था कि मराठी में बहुत बच्चों का डब्बा गुल है बहुत सारे बच्चों का मतलब 50% क्लास फेल हो जाएगी तो उन्होंने हमें नकल करवाई थी तो हम सब ने नकल की थी बिकॉज हम सब के बड़े मराठी में बुरे हाल थे काफ़ी सपोर्टिंग टीचर थी भाई यार वो उन्होंने क्लास बट यू नो अभी कहते हुए थोड़ा सा ऐसे अजीब लगता है यू नो इट कैन बी टेकन एनी अदर वे बट उनकी दया से उनके प्यार से हम सब पास हो गए थे
फेवरेट हैंगआउट स्पॉट विद फ्रेंड्स आफ्टर स्कूल? क्रिकेट ग्राउंड. हम मेरे आई वाज सो लकी. मैं मेरा स्कूल एक तो मेरे स्कूल का बहुत बड़ा ग्राउंड था. वहाँ पे 6-7 क्रिकेट पिच बने हुए थे. तो मतलब यू नो इधर से भी कोई खेल रहा है उधर से भी कोई खेल रहा है. तो वैसे स्कूल में भी था और मेरे घर के ठीक ऑपोजिट. तो जहाँ पे मैं पला बड़ा वहाँ पे बहुत ओपन ग्राउंड्स बहुत रहे हैं. तो स्कूल के बाद यूनिफॉर्म चेंज करते ही ग्राउंड में ही मिलते थे हम. कभी बंक किया स्कूल? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ. हम स्कूल बंक करके निकल गए हैं. पीटी पीरियड में दीवार टाप के निकल गए. हम क्रिकेट खेलने चले गए. वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड गिव टू योर स्कूल एज सेल्फ? फिनिश व्हाट यू स्टार्ट. या उस टाइम पे बहुत सारी जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्स के टाइम पे मैं उतना ही लिखता था जितने की जरूरत होती थी. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिनिश व्हाट यू स्टार्ट. हाउ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर यू नो यू आर गोइंग टू बी सून पेरेंट्स? यार अभी तक तो पता नहीं. कभी कभी तो ब्रेन फेड मोमेंट ही होता है बिकॉज इट्स सो सरियल. बस लेकिन ज़्यादा मतलब आई मीन जो भी हो अच्छा ही हो हेल्थी हो बच्चा और यू नो बोथ मदर एंड चाइल्ड आर हेल्थी एंड हैप्पी. बाकी जैसा होगा वील सी एज इट कम्स. बिकॉज आप चाहे कितना भी प्लान कर लें यू नो यू रियली कांट प्लान फॉर लाइफ. बट लेकिन ये ओवरऑल ये मूवी करने में बहुत मज़ा आया. नहीं आपको शूट करने में? बहुत ही. इट्स द मोस्ट स्पेशल फिल्म ऑफ माय करियर सो फार. अब ऐसा लोगों को लग रहा होगा कि अब रिलीज पे है तो इसलिए कह रहा है. बट नो आई थिंक दिस इज दिस फिल्म हैज़ रियली गिवन मी अ लॉट. मुझे बहुत कुछ दिया है और चाहे वो सिर्फ सक्सेस की बात नहीं है मुझे बहुत सारे रीअश्योरेंसेज और बहुत सारी चीज़ें मुझे इस फिल्म से दोबारा मिली हैं जीवन में. बट नहीं आई वुड लाइक टू से कि मैंने आपकी जितनी भी फिल्में देखी हैं आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस धर्मवीर. यू नो तब से लेकर अब तक हर किरदार में ना आपने एक वो आइकॉनिक छोड़ देते हो आप और लोगों के दिमाग में रह जाती है वो. थैंक यू सो मच. सो वी वुड लाइक टू एंड हियर. थैंक यू सो मच विक्रांत. थैंक यू फॉर योर ग्रेट टॉकिंग टू यू. यू नो आई वुड लाइक टू से यू अबाउट योर मूवी एंड व्हेन इट इज कमिंग. तो जितने भी फिल्मी के दर्शक हैं मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि 27 अक्टूबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. 12th फेल जिसे बनाई है विधु विनोद चोपड़ा जी ने आपके चहेते फिल्म मेकर ने. तो प्लीज़ आप इस फिल्म को सिनेमाघरों में अपने परिवार वालों के साथ दोस्तों के साथ जाके देखें और प्लीज़ सोशल मीडिया पे हमें बताएं आपको ये फिल्म कैसी लगी. प्लीज़ थैंक यू.